आगे मास्क छोड़ जाएगा। राजद के विधायक हाथों में लड्डू लिए और हाथों में हरे रंग का गुलाल लिए सदन के पोटकों में पहुंचे, जहां पहले से ही जीतनराम मांझी के साथ तमाम बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन लड्डू यानी मिठाई लेकर जब राजद के विधायक पहुंचे, ये बात बीजेपी विधायकों को लगा कि ये मिठाई खिलाने आ रहे हैं, हमको पिंच करने आ रहे हैं। फिर क्या था, मिठाई का डब्बा फेंक दिया गया। कुछ देर पहले शांतिपूर्ण चलने वाला प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। ये वीडियो जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए कि हंगामे की शुरुआत किस तरीके से हुई, कौन सच्चा कौन झूठा, ये पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद मिठाई खिलाने वाले विधायक का बयान भी सुना रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। कैसे आप लड्डू खिलाने गए थे और विवाद नहीं, हम तो सब लोग को आपस में बांट रहे थे। हम लोग लड्डू, आप लोगों ने देखा है, लड्डू बांटकर हम लोग खुशी मना रहे थे। जिस तरीके से कल ऐतिहासिक फैसला हुआ, आरक्षण का दायरा को बढ़ाया गया, आरक्षण के लकीर को बढ़ा करके बीजेपी के विधायकों के पास क्यों, तो विरोध कर रहे थे। नहीं नहीं, हम अंदर जा रहे थे, हम उस रास्ते से अंदर जा रहे थे। हम किसी के मुंह में लड्डू खिलाने गए थे क्या? हम तो बाहर में अपने लोगों के बीच में हम लड्डू खिला रहे थे। अब हम रास्ते से जा रहे हैं क्या? रास्ता भी क्या विधानसभा के अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्या? हम लोग इस सदन के सदस्य हैं क्या? इन लोगों को रोकने का अधिकार है क्या? गाली गलौज करने का अधिकार है क्या? ये लोग गाली गलौज और मारपीट करने पर आबूद हो जाते हैं। लड्डू मीठा और बात मारपीट तक, जो लड्डू लड्डू उनको खुशी नहीं है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को नागवार गुजर रहा है, ये आरक्षण नागवार गुजर रहा है, जिसके चलते वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही कहेंगे जी कि संयम बरते और ये जो है आरक्षण उसमें आप भागीदारी बने, ना कि ये विरोधी करे। संजय जी क्यों इतना गुस्से में थे आप? नहीं नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं। गुस्सा इसलिए है कि गुंडागर्दी करने का प्रयास आरजेडी के विधायकों ने किया है। यहाँ हम सब लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और वो वहाँ आकर के गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका प्रतिकार हुआ। आप देखिए, आप पीछे वो विधायक खड़े हैं, उसके पीछे देखिए वो चंदन लगा के हरा रहा, कौन आदमी खड़ा है, वो कैसे पोटिको में पहुंचा, विधायकों को पिटवाने के लिए, विधायकों को प्रताड़ित करने के लिए गुंडे बाहर से बुलाए गए हैं। ये गुंडे लोग हैं, दो विधायक उनके थे, बाकी सारे गुंडे यहाँ खड़े थे, इसका प्रतिकार किया गया है। लड्डू आपने घेर दिया उन्हें, देखिए आरक्षण को लेकर जो लड्डू खिला रहे, तो बिल्कुल नहीं, आरक्षण केवल उनके कारण हुआ है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मांग रखी कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाए और उसके कारण बिहार की सरकार प्रस्ताव लेकर आई। हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पूरे गठबंधन के लोगों ने पूरे एकमत से सर्वसम्मति उसको कल पारित किया था। हम लोगों ने कल उसका जश्न भी मनाया था। लेकिन आज जो कुछ भी हमारे धरने पर आकर के वो लोग करने का प्रयास किए, वो गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे थे। बताइए, ये लोग आरक्षण के विरोधी लोग हैं। आरक्षण जो क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।